हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मतदान हुए 3 दिन हो चुके हैं। सियासी दल, उनके समर्थक और मतदाता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में हुए पिछले 5 लोकसभा चुनावों का विश्लेषण और वोट प्रतिशत मायने रखता है। ये भी सामने आया है कि हरियाणा का मतदाता समझदार और जागरूक है। वो भांप लेता है कि कौन नेता या पार्टी सत्ता में आ रही है, मतदाता उसी का रुख कर लेता है। आपकी सहूलियत के लिए टोटल टीवी की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को संपन्न हुए 3 दिन हो गए हैं। सियासी दलों, उनके समर्थकों और आम लोगों में अब यही चर्चा चल रही है, कौन जीत रहा है भाई, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, बस यही चर्चा चल रही है। विश्लेषण और गौर करने के बाद यही सामने आ रहा है कि जब ज्यादा वोट प्रतिशत हो या कम हो, तब किसको फायदा किसको नुकसान होता है। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो एक ट्रेंड ये सामने आ रहा है, अगर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 70% या इससे ज्यादा वोटिंग हो तो हमेशा बीजेपी को फायदा मिला है। अगर वोट प्रतिशत 70% के नीचे हो तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा रही हैं। इस बार हरियाणा में ओवरऑल वोट प्रतिशत 65% या इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, पर 70% से नीचे तो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो इस बार 7 सीटें जीत सकती है। त्योहार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसलिए तो बाहर रहती चिंता किस बात की, नींद। अब आंखें तो मेरी भी देखोगे तो टिमटिमारी है, जी मेरा भी सुनना है, लेकिन जितनी मेहनत 28 दिन करी उतनी काल काल में करनी पड़ी, क्योंकि लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से बात करनी, रिपोर्ट लेना ये अति आवश्यक होता है। ऐसा है, आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का जो होशोवास उड़ गए हैं, और जो बहके हुए लोग होते हैं वही इसी प्रकार की बात करते हैं। अब परमात्मा तो परमात्मा है, अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान बन के आया हमारे पास, वो भगवान थोड़ा बन गया, भगवान बन के आया। तो ये तो भाव की बात है, और भाव को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं। गौरतलब है कि 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तब लोकसभा चुनाव में 66.72 वोट प्रतिशत था, तब कांग्रेस 42% वोट लेकर 9 सीटें जीती थी। इसी तरह 2009 में वोट का प्रतिशत 67.49 था, तब 41.8% वोट लेकर पार्टी ने फिर 9 सीटें जीती। फिर 2014 में जब देश के सियासी परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी छाए तो 71.45% वोटिंग हुई, बीजेपी तब 34.8% वोट लेकर 7 सीटें जीती थी। फिर 2019 में जब पुलवामा कांड के बाद बालाकोट ऑपरेशन हुआ तो 70.34% वोटिंग में 58.2% वोट लेकर बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीत ली। मतलब ये हुआ कि ज्यादा वोट प्रतिशत के वक्त बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, 70% से अगर वोट कम पड़े तो फायदा कांग्रेस को हुआ। इसीलिए इस बार प्रदेश में बीजेपी हो, कांग्रेस या अब वोटर्स, सभी असमंजस में हैं कि आखिर परिणाम क्या होगा। और अब एक खास बात, 1999 में बीजेपी इनेलो गठबंधन के लोकसभा चुनाव हो, 2004 के, 2009 के, 2014 के और 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जब जब 70% या इससे ज्यादा मतदान हुआ, फायदा हमेशा बीजेपी को मिला। 70% से नीचे अगर वोट प्रतिशत रहा तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला। एक बात ये भी कि हरियाणा के वोटर्स बहुत जागरूक और सियाने हैं, वो भांप लेते हैं कि सेंटर में किस पार्टी की सरकार या कौन नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। 70 से 100% तक यही रहता है कि ज्यादा वोटर्स उसके साथ चले जाते हैं जो पार्टी या नेता सत्ता में आ सकता हो। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अब किसी पार्टी की ना लहर है ना हवा है। 4 जून को परिणाम क्या आते हैं राम जाने। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़।